नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। सुबह के 10 बजने को और 10 का दंगल के साथ मैं हूं प्रत्युष करें। आज सवाल ये कि क्या घरेलू सियासत के लिए देश की डिप्लोमेसी को ताक पर रख दिया जाना चाहिए? सामान्य से समझ रखने वाला भी इंसान इसे नकार देगा। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, यानी मुस्लिमों के स्वयंभू नेता होने का दावा करने वाले ओवैसी साहब, अब तालिबान के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। तालिबान की मान्यता पर भारत सरकार के रुख को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। शक्तिशाली देशों को छोड़िए, दुनिया के 56 मुस्लिम मुल्कों ने भी तालिबान पर अभी तक अपना स्टैंड साफ नहीं किया है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार के रुख पर ओवैसी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि तालिबान के बीच बातचीत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे हमारे भारतीयों को वापस लाना है, लेकिन यूपी चुनाव सिर पर है तो ओवैसी को तालिबान में मुस्लिम वोट बैंक को साधने का मौका दिख रहा है। सवाल है कि क्या तालिबान को मान्यता दिलाने को उतावले हैं ओवैसी? आखिर क्यों विदेशी मैदान को यूपी की पिच बना रहे हैं ओवैसी? क्या ओवैसी के लिए मुल्क से ऊपर है तालिबान? 10 का दंगल में आज बहस इसी मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। तालिबान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से सवाल किए कि तालिबान को UAPA टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करेगा क्या भारत? तालिबान के प्रतिनिधि ने भारतीय राजदूत से मुलाकात की है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तालिबान मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। यूपी चुनाव की खातिर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तालिबान पर भारत के रुख से भड़के भाईजान। ओवैसी के लिए मुल्क से ऊपर तालिबान। 20 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपना बुरिया बिस्तर समेट लिया और लाखों करोड़ों अफगानियों को तालिबानी भेड़ियों के हवाले छोड़ दिया, और अब उसका असर नजर भी आ रहा है। तालिबान का वहशीपन रोजाना देखने को मिल रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की सुई सिर्फ इस बात पर अटकी है कि तालिबान को लेकर भारत का रुख क्या है। बैन करो तालिबान, चलो बोलो तुम्हारे मोदी को जाके बोलो बैन तालिबान को, UAPA के टेरर लिस्ट में इनको नाम डालो। आपको मालूम दुनिया में दो कंट्रीज है जो तालिबान को और सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क को बैन नहीं किए, कौन से मालूम आपको? एक इंडिया, एक पाकिस्तान। चलो बैन करो ना। इधर भारत और तालिबान के बीच पहली बार आधिकारिक मुलाकात हुई। कतर के दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के प्रतिनिधि शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात भारतीय दूतावास में हुई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि तालिबान की तरफ से बातचीत का अनुरोध किया गया था। बातचीत का फोकस सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर रहा। ऐसे अफगान नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों के बारे में भी चर्चा की गई जो भारत आना चाहते हैं। राजदूत दीपक मित्तल ने भारत की इस चिंता को उठाया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान के प्रतिनिधि ने भारतीय राजदूत को भरोसा दिया कि इन मुद्दों को सकारात्मक तरीके से सुलझाया जाएगा। दरअसल भारत सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर सधे तरीके से कदम रख रही है। कई बार हालातों को देखना, अच्छे से समझना और फिर उस पर एक्शन लेना ही समझदारी कहलाता है। लेकिन हैदराबाद की लोकल राजनीति से ऊपर उठकर देश की सियासत में दखल रखने के लिए जोर लगाने वाले ओवैसी को इतना भी नहीं पता कि विदेश से ताल्लुकात के मुद्दे घरेलू राजनीति से तय नहीं होते। दरअसल इसके पीछे वजह कुछ और है। ओवैसी को बहुत जल्दबाजी है ताकि वे तालिबान के मसले को यूपी चुनाव में भुना सकें। शायद इसीलिए वे बार बार तालिबान पर भारत सरकार का स्टैंड जानने के लिए परेशान हैं। यूपी में चुनाव में करीब 7 महीने बाकी हैं। इसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। AIMIM यूपी में 100 सीटों पर दावेदारी ठोकने वाली है। ओवैसी की कोशिश है कि इस बार मुस्लिम वोटर SP BSP को छोड़कर लैला जान के वादों पर एतबार कर लें, उनकी सियासत के तौर तरीकों में उलझकर उन्हें अपना खैरखाह मान लें। सीधा सवाल है, ओवैसी का यूपी की सियासत के लिए देश की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाना कितना जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए 10 का दंगल में बहस की शुरू।